अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपना YouTube का एक चैनल कैसे बना सकते हैं 2018 अप्रैल में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स इसमें आ गए हैं और काफ़ी लोगों को मसला आ रहा है चैनल बनाने में। और आपको बताता चलूँ कि YouTube चैनल पे सिर्फ चैनल ही नहीं बनाया जाता, बस के यहाँ पे लोग लाखों पैसे भी कमा रहे हैं। लाखों का पैसे कैसे कमा रहे हैं, इसके ऊपर चैनल्स के ऊपर एड्स वगैरह लगते हैं और वीडियोस के ऊपर एड्स आते हैं। जब कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपको एक एड्स मिलता है 3 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, या आगे जाके आपके पास स्किपेबल एड्स आते हैं, ब्रेक एड्स आते हैं या कोई दूसरे एड्स आते हैं। उन एड्स के आपको मिलते हैं पैसे। पैसे देता है गूगल, और गूगल भागकर जाने वाला नहीं है। भागकर अगर जा सकते हैं तो यूज़र्स ही जाते हैं, गूगल आपको पैसे पे करता है। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज को मैं एक प्रोफेशनल चैनल बनाना सिखाऊंगा कि आप अपना कंप्लीट चैनल कैसे बना सकते हैं और सारी उसकी SEO कैसे कर सकते हैं और कैसे एक अट्रैक्टिव और एक कमाल का, जो मतलब कि आपका जो नेम हो वो आप ले सकते हैं, जो किसी के पास यूनिक नेम ना हो वो यूनिक नेम लें ताकि डिफरेंट सा हो जाए। ठीक है, तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साथ में बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है गूगल। जैसे आप गूगल करेंगे, यहाँ पे गूगल को ओपन करेंगे तो आपके पास मेरा ये एक चैनल खुला हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे आपने इसका साइन इन की वो ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ व्लॉग PK। ठीक है, अब व्लॉग PK मैं दे देता हूँ। अब यूज़र आ गया व्लॉग, उसने ऑटोमेटिक यूज़र वो ले लिया। मैं यहाँ से व्लॉग PK का अगर मैं यूज़र लेता हूँ तो शायद मुझे मिल जाए। अपने यहाँ से कोई भी यूज़र ले लेना, vlogpk@gmail.com आ गया। यहाँ से आप, मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड आपने ऊपर भी यहाँ पे ये आपका जो ईमेल नेम ये आएगा और ये वैसे आपका जो यूज़र नेम आएगा। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर भी दे लेता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड आपने दे लेना है। ये देखें, ये पासवर्ड भी मैंने दे लिया। ये हम जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा यूट्यूब का लिंक जो अकाउंट है इसके साथ, इस जीमेल के साथ लिंक होगा। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्लॉग PK के नाम से, मतलब कि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, नेम नहीं अवेलेबल आ रहा, तो व्लॉग PK 38 हम कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने व्लॉग PK कम में कर लेता हूँ, शायद ये वाला लग जाए, लेकिन देख लें व्लॉग PK कम जो है ना वो लग गया है। और यहाँ से आपने उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि नंबर जो है वो आप नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन लिए ऐड कर दे। मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो डालनी भूल गया, यहाँ पे ज़ीरो और नंबर डाले। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका नंबर ये वाला ऐड हो गया। अब ये कोड मेरे मोबाइल पर आएगा, वो मैं कोड यहाँ पर उसका कोड के लिए रिप्लाई दूँगा यहाँ से, जैसे मुझे गूगल का आता है तो मैं यहाँ से उसका कोड लिखता हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा गूगल के मैसेज का। अभी तक मुझे मैसेज वसूल नहीं हुआ, जैसे वसूल होता है तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जैसे मैसेज आता है तो मैं कोड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे कोड मुझे वसूल हो गया, जो कि मैं कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, कोड मैंने डाला, उसको मैंने वेरीफाई किया। ठीक है, नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे वो रिकवरी ईमेल का पूछे है, मैं रिकवरी ईमेल में मैं अपना वो डाल देता हूँ, ये वाला अपना नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ अप्रैल डाल देता हूँ। अप्रैल है इसकी, सॉरी अप्रैल 8 है 1996 में डाल देता हूँ। ठीक है, 8 अप्रैल 1996 में डाल देता हूँ। इसके बाद आ जाएगी जेंडर, मेल फीमेल, यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट। ये यहाँ पे एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आई एग्री कर दें। एग्री करने के बाद आपने, आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ये आपके पास वी का ऑप्शन आ गया, व्लॉग का जो। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर चैनल पर। जैसे मैं इसको करूँगा, इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। जैसे इसको मैं साइन आउट करूँगा, इससे दोबारा मैं साइन इन करता हूँ।
साइन इन करूँगा तो यहाँ पे मैं वहीं यूज़ अनदर अकाउंट में दूंगा, ठीक है, यूज़ अनदर अकाउंट में दूंगा। तो यहाँ पे हमने लगाया था वी लॉग पी के कम लगा के, फिर मैं इसका हम पासवर्ड देंगे। यहाँ पे ये देखिए आपको वो आ गया, ये रिकवरी ईमेल में हमारा ये वाला लगा हुआ, ये रिकवरी में भी है, फ़ोन नंबर भी वही, मत सारा कुछ मतलब के आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने मतलब के ये करना है कि चैनल यहाँ पे हमने क्रिएट करना है। तो अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो ये करना है, यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना है माई चैनल। जब माई चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं। अब मैंने व्लॉग पी के रखा है। आप यहाँ पे जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपने सर्च कर लेना है कि कोई कौन सा मतलब के चैनल, जिस जो चैनल यूट्यूब पे हो ना। जैसे मैं व्लॉग पी के लिखूँगा तो मेरे पास पाकिस्तान आएगा, व्लॉग डू पी के आएगा, पी के व्लॉग आएगा, पी के व्लॉग आएगा, और पी के इस तरह। लेकिन व्लॉग पी के का यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। इस तरह का आपने चैनल देखना जो कि यूनिक हो, किसी और बंदे का वो चैनल ना बनाओ, ठीक है, और ताकि बाद में आपको यहाँ जब आप यूज़र नेम वगैरह डालेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्रिएट चैनल पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा चैनल जो है वो क्रिएट हो रहा है। इतनी सी बात है, चैनल आपका क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपने एक, आपके पास यहाँ पे कोई टैब्स नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, ना वीडियोज़ या होम या कुछ भी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज चैनल पे, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपकी ये चीज़ें आ गई हैं, वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, चैनल है, डिस्कशन है, अबाउट एड सेक्शन वगैरह और सारा कुछ आ गया है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लेआउट्स वगैरह आ रहे हैं, डिस्प्ले ऑटोमेटिक और टैब्स वगैरह जो है सारी आपकी शो हुई हुई, यहाँ से आपने वो ऑन कर लेनी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ऑन होगी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे अपलोड्स में आपने एक सेक्शन ऐड करना है वीडियोज़ का, जो काफ़ी लोग ऐड नहीं करते। यहाँ पे मैं अपलोड्स जो हैं वो जो आप डेली की आपकी वीडियोस अपलोड होंगी, वो यहाँ पे आपने एक पॉपुलर अपलोड या अपलोड्स का यहाँ पे आपने एक डाल देना है, ठीक है, ताकि आपको आपके आपके जो भी यूज़र्स आए उनको सबसे पहले आपकी वीडियो ऊपर मिले, या पॉपुलर अपलोड का यहाँ पे डाल दें, ठीक है। ये हॉरिजेंटल है, इसको हॉरिजेंटल रहने दें या वर्टिकल कर लें, हॉरिजेंटल ही बड़ा अच्छा रहता है। इसको वर्टिकल में कर देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल। ये ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें मतलब कि जब वीडियोस आती हैं तो वो राइट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पे चैनल आर्ट है और यहाँ पे प्रोफाइल है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने चैनल आर्ट कैसे ऐड करना है। मैंने चैनल आर्ट की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको, आपने वो वीडियो देख लेनी है चैनल आर्ट ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये वाली, ये इसके इसकी PSD फाइल और इस वाले की PSD फाइल आपको मिल जाएगी। आप इनको देख के आप यहाँ का चैनल आर्ट बना सकते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। प्रोफाइल और ये चीज़ें बाद में हम करेंगे, ये चैनल आर्ट में बना के फिर आप इस पर बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास अबाउट, प्लेलिस्ट, अबाउट और कुछ यहाँ पे अबाउट। आप अबाउट में आप आएंगे तो यहाँ पे आप, यहाँ से आपने लोकेशन देनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का ये, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन दे देनी है। यहाँ पे लिंक्स हैं, अब लिंक्स है, एग्जांपल यहाँ पे मैं फेसबुक का देता हूँ, फेसबुक। तो अब मेरे पास यहाँ पे फेसबुक का पेज जो होगा उसका मतलब के पास मेरे पास लिंक भी होना चाहिए। तो आपके पास लिंक होगा तो आपने यहाँ से मतलब के लिंक पेस्ट कर देना और यहाँ से डन कर देना, और बाकी इंस्टाग्राम जितने भी हैं वो लिंक यहाँ पे ऐड कर देने। आप डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, जो कि कोई भी लोग आता है अबाउट के सेक्शन में तो वो देखता है कि ये दिस इज़ माई वी लॉग चैनल, दिस इज़ माई वी लॉग चैनल वेयर आई अपलोडर अपलोड डेली वी लॉग वीडियोज़ फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है। इस तरह आपने मतलब कि डिस्क्रिप्शन, आपने ऐसी कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। डिस्क्रिप्शन में अपनी खुद की बात में ही राइट करूँगा, आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देख के लिखनी है और इसको डन कर देना है। आपका चैनल हो गया क्रिएट, सब कुछ ओके हो गया। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, अगर मैं क्रिएटर स्टूडियो में जाऊँगा तो एक काम आपने ये ज़रूर करना है, अगर आपने खुद का थंबनेल वगैरह लगाना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे पहले हमने करनी है। अब मैं जाऊँगा जब यहाँ पे चैनल में, तो यहाँ पे चैनल के बाद मेरे पास ये वेरीफाई की ऑप्शन आ रही है। मोनेटाइजेशन आपने अनेबल अभी तक नहीं करनी, तब तक, क्योंकि जब तक आप मोनेटाइजेशन अनेबल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे लोगों ने आपकी वीडियो ना देखी हो, ठीक है। इसके बाद ये आप कस्टम थंबनेल आप नहीं लगा सकते, एक्सटर्नल एनोटेशंस नहीं लगा सकते,
अनलिस्टेड एंड प्राइवेट वीडियोस आप सब कुछ बाकी अवेलेबल है, अनेबल ये अनेबल आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी काफ़ी ऑप्शंस ऑन नहीं होंगी। आपने जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पाकिस्तान एंड यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे आपने नंबर डालना है, जो कि मैं ये वाला अगर नंबर डालता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये पूछ रहा है कि आपके नंबर पे कोड सेंड किया गया, वो कोड आप वेरीफाई करिए। ये देखिए आपने यहाँ पे इसको जब वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो कस्टम थंबनेल की आपके पास ऑप्शन आ रही थी, आप वो ऑप्शन जो है ना इनेबल करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे आप जब आपको वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस। ये देखिए, कंग्रेचुलेशन यूट्यूब यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। अब वेरीफाइड हो गया, आप देखें ये ऑटोमेटिक इनेबल होगी, ये भी ऑटोमेटिक इनेबल होगी, ये लार्ज वीडियोस भी इनेबल ऑटोमेटिक होगी, मतलब कि जिन पर रेड निशान आ रहे थे सारे वो अनेबल हो गए हैं, ठीक है, और ये सिर्फ एक वेरीफाई करने की वजह से। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट काम होगा वो हमारा होगा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का थंबनेल और यहाँ पे इसका चैनल आर्ट और यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पिक्चर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर आप कोई लोगो बना सकते हैं अपना लोगो बना लें, और इसके बाद फिर हम अपना इंट्रो भी एक बनाएंगे जो हम पूरे चैनल में इंट्रो इस्तेमाल करेंगे और लोगो इस्तेमाल करेंगे, तो इंट्रो भी हम इसी से नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे, और बाकी जो थंबनेल वगैरह और बाकी चीज़ें वो आने वाली वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट करवाऊँगा। वीडियो कैसी अपलोड करनी, चैनल आपका बन गया, वेरीफाई आपका हो चुका है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसा ऐसा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आगे जाके जो चीज़ें हैं वो आएंगी। और इस पूरी वीडियोस में आज की अभी आपके लिए और भी लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।